ओए गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि बेनेली लियोनचिनो में हार्नेस वाला हेडलैम्प कैसे लगाएं। अगर आपके पास हार्नेस वाला हेडलैम्प है, अगर आपको लगवाना है तो हमेशा आप उसको इग्निशन पे लगवाएं। तो मैं इसी वीडियो में यही चीज दिखाने वाला हूँ कि मैंने अपने बाइक पे कैसे लगवाया बेनेली लियोनचिनो का हार्नेस वाला हेडलैम्प। फिर एंड में हम देखेंगे कि ये हार्नेस वाला जो लैम्प है इसका पावर कितना है। ये मैंने हार्नेस वाला ऑलरेडी में लगाया हुआ है। एक सेकेंड, तो दिस इज़ विद द हार्नेस। कैन सी द हार्नेस? तो हार्नेस बहुत ईजी है लगाना। आपका ब्लैक वायर नेगेटिव पे जाएगा, रेड वाला पॉजिटिव पे जाएगा। फिर आपकी हार्नेस के साथ एक रेड वायर और आएगी लंबी सी, जो कि आपका ये सोलिनोइड के यहाँ से जाता है। ठीक है, अगर आपने ये रेड वायर वाला इग्निशन पे ना लगवाया, अगर ये आपने खुला छोड़ दिया है, मतलब कि ये कि आपका ये जो पॉजिटिव है ये डायरेक्टली लाइट पे जाएगा। तो ये जो स्विच आएगा इसको आप ऑन करोगे, दबा के रखोगे, तो आपका लाइट अपने आप जलने लग जाएगा, जो कि ये वाले लाइट्स हैं, यू नो, ये वाले लाइट्स, राइट? तो दीज आर द लाइट्स। तो अगर आपने ये रेड वायर कनेक्ट नहीं करी है, जो कि ये वाली रेड वायर है, ठीक है, ये वाली रेड वायर, राइट? तो अगर आपने ये कनेक्ट नहीं किया हुआ है, मतलब आपका ये डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपने लगाया हुआ है तो फिर इसका मतलब ये कि आपको ये इग्निशन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो रेड वायर है, ये जो रेड वायर है, ये आपको एक्चुअली जाएगा इग्निशन के कनेक्शंस पे। तो मैंने एक्चुअली अपना ये लियोनचिनो का मैंने अपना हेडलैम्प पूरा पूरा डिसअसेंबल किया हुआ है। आपको दिख रहा होगा, ये इसका हेडलैम्प है, ये वाला। इसके साथ क्या है कि आपकी स्पेन बीम और डिपर के लिए चार कनेक्टर्स आते हैं। आपको दिख रहे होंगे, ये सर्किट मैं आपको शेयर कर दूंगा ऑलरेडी, नॉट अ बिग डील। तो ये जो येलो वाला जो है वो अलग कलर पे है, तो आई डोंट नो कि अलग अलग कलर्स वो दे देते कभी कभार। तो मेरे वाले पे क्या है कि येलो वाला जो है वो आपका इग्निशन है। तो मुझे क्या करना है, ये वाला तार लेना है, ये मुझे जाके इग्निशन वाले पे जाके लगा देना है, ठीक है। काफ़ी तक लग गया है ये, राइट? तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बाइक की बीम जल रही है नहीं जल रही। वो देख रही है कि बीम जल रही है, ये फॉग है, ये हाई बीम है, ये दोनों एक साथ हैं। फिर ये इसके ब्लिंकर्स हैं, लेफ्ट राइट दोनों अलग से जब वो। फिर अभी अगर मैं इसको अभी अगर मैंने इग्निशन ऑफ कर दिया तो आपका देखो लाइट भी अपने आप ऑफ हो गए। तो अभी ये आपका इग्निशन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अगर आपको इग्निशन के साथ कनेक्ट नहीं करना है, अगर आपको डायरेक्ट करना है, तो आप ये रेड वाला वायर कनेक्ट ना करो। हे गाइस, व्हाट इज अप? सो आई फिक्स्ड द बीम। मैंने बीम के लाइट्स लगवा दिए हैं बाइक पे। ये है लाइट्स जो कि जे जी वाले हैं। फिलहाल मैंने फोकस डाल रखा है। अब ये फोकस हटा दिया तो बीम बहुत ज़्यादा फैल जाता है, पर मेरे पास ही ना मतलब एक डिफ्यूज बीम ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ आपका जे जी के दूसरे वाले लाइट्स। ये है आपके फॉग लाइट्स, यू नो, आपको दिख रहा होगा बहुत डिफ्यूज है। और ये आपका है हाई बीम, ये हाई बीम विथ आपका आपका डिपर है जो अभी भी लगवाया है। मैं डिपर ऑफ कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि कैसा है दिखने में। सो थोड़ा डिपर ऑफ, तो ये डिपर ऑफ है और ये डिपर ऑन है। आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा गजब का फोकस है, लाइटिंग बहुत दूर तक जा रही है। और अभी मैं आपका बीम के साथ फॉग भी ऑन कर रहा हूँ एक साथ, तो ये बीम विथ फॉग है। आपको दिख रहा होगा बहुत गजब की लाइटिंग है ये, मतलब आई एम रियली रियली हैप्पी विथ द होल लाइटिंग सेटअप। मैं क्या बताऊँ आपको, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये आपका फोकस किया हुआ है यहाँ पे। ये लाइट को आप पुल करके आगे पीछे कर सकते हो, फिर यहाँ पे आपका एक स्क्रू है, इसको आप टाइट करोगे तो आपका लाइट लॉक हो जाता है। आप इसको जितना पीछे लेके आते हो उतना ही ये बीम ज़्यादा फोकस छोटा हो जाता है, ठीक है। तो सेम मैंने इधर किया हुआ है, इधर भी सेम कुछ आपको दिख रहा होगा, ये लाइट मैंने इसको पीछे खींचा हुआ है। तो ओवरऑल गजब का है, यू नो, इफ यू वांट टू बाय इट, जस्ट गो बाय इट, दिस इज़ रियली रियली ऑसम लाइट, राइट?